नमस्कार दोस्तों, शक्ति क्लासेस जयतारण की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आई है कि मेड़ता और रास के बीच में रेलवे लाइन को मंजूरी मिल गई है, रेलवे ट्रैक बनने की मंजूरी दे दी गई। इस वीडियो में बताएंगे आपको कि यह रेलवे ट्रैक कहां से होकर गुजर सकता है। तो सबसे पहले देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर जो न्यूज़पेपर की कटिंग है आप देख सकते हैं, जो मंजूरी मिली है वो देख सकते हैं, ठीक है। इस रेल लाइन के बनने के बाद में बीकानेर नागौर मेड़ता तक डायरेक्ट रेलवे लाइन है, उसके अलावा रास तक रेलवे लाइन है। ये बीच का कार्य 46.60 किलोमीटर का होने वाला है। ये जुड़ने के बाद में ब्यावर अजमेर इधर से जयपुर नीचे मारवाड़ जंक्शन तक रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी और यहां से आप डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है। ये देखिए पंजाब बीकानेर नागौर मेड़ता रोड जंक्शन, नीचे की तरफ ये जोधपुर जाती है गोटन पिपाड़ होते हुए। इस तरफ वाले की बात कर तो ये जयपुर अजमेर बांगड़ नगर स्टेशन ब्यावर जो कि एक ही है, 2 किलोमीटर का इसमें गैप रहता है। नीचे देखिए बरसोजत मारवाड़ जंक्शन, ये पाली होते हुए जोधपुर चेन की तरह होता है, ठीक है। इधर से मेड़ता रोड से डेगाना होते हुए जयपुर एक और ट्रेन चलती है। इसके अलावा देखिए ये रहा मेड़ता सिटी, लगभग 14 किलोमीटर के आसपास इसका मेड़ता रोड जंक्शन से दूरी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये रहा रास, ठीक है। तो यहाँ से ब्यावर से लगभग आपके 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है रास, ठीक है। और ये बीच में जो ट्रैक बनेगा वो बनेगा 46.60 यानी कि लगभग 47 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा, ठीक है। अब कहाँ से होकर गुजरेगा तो आप देख सकते हैं, ये जाएगा मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी से कात्यासनी धनेरिया चाउंडिया भुवाल जसनगर ये वाले गाँव बीच में पड़ेंगे, जिसमें कात्यासनी धनेरिया जिसमें बड़ा स्टेशन एक जसनगर आपका बन सकता है, ठीक है। नीचे की तरफ लांबिया होगा, इसके बाद में डायरेक्ट स्टेशन अमरपुरा बलू होते हुए रास आएगा, ठीक है। रास बड़ा स्टेशन बनेगा, उसके बाद में बाबरा यहाँ पर होता है, बाबरा के बाद में सुमेल वगैरह गांव आएंगे और मकरेड़ा के तालाब के पास से ही बांगड़ नगर स्टेशन से इसे ऑलरेडी जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्यावर 2 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। बड़ा स्टेशन यानी कि बड़ा एक जंक्शन अब बन जाएगा, बांगड़ नगर स्टेशन है वो बड़ा जंक्शन बनने की तैयारी, ठीक है। अब इस रेल लाइन को मंजूरी मिली है, इसका बड़ा कारण ये था कि यहाँ से देखिए अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री राबड़ियावास, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री टुकड़ा और श्री भांगड़ सीमेंट फैक्ट्री भगतपुरा भीमगढ़, ये बड़ी 3 सीमेंट इकाई, साथ ही ब्यावर की श्री सीमेंट इकाई, इन सभी को पंजाब के ऊपर या नीचे जोधपुर तक लाने के लिए सीमेंट को ये बड़ी रेलवे लाइन को मंजूरी मिली गई, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या प्रस्तावित है, तो कि टुकड़ा वाली अभी जो सीमेंट फैक्ट्री है उसकी रेल लाइन बननी है, तो जिसको भी बननी है यहाँ पर हमने इसे नीले कलर में बताया है, ब्लू कलर में बताया, ठीक है। तो बिलाड़ा वाली रेलवे लाइन भी प्रस्तावित है, तो बिलाड़ा से होकर रास तक ये भी रेलवे लाइन बनने की मंजूरी मिलनी बाकी है। मेड़ता सिटी टू रास की मिल चुकी है मंजूरी। इसके अलावा देखिए मेड़ता सिटी से रिया बड़ी थावला होते हुए पुष्कर और पुष्कर से आगे अजमेर से ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो ये रेलवे लाइन की भी मंजूरी मिलनी बाकी है। उम्मीद करते हैं इनकी भी रेलवे लाइन की मंजूरी जल्द ही मिलेगी। आपको ये न्यूज़ सुन के कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।